मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। ये 14वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। भिलाई के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि भिलाई में एक ही लौता मंदिर है जो इतना प्राचीन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाय दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज संडे का दिन है और क्या है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो आज ये मेरी बेटी है नव्या, इसको घुमाने ले जा रहा हूँ। और साथ में भाई है मेरा, ये भी भाई है मेरा, पड़ोसी है, और एक और डिगेन भाई आ रहे हैं। तो हम लोग सब साथ में निकले हैं घूमने के लिए। और ये हमारी धन्नो है पीछे, इसी में जाएंगे सब अपन। आज गाड़ी धुल रही, चकाचक दिख रही है गाड़ी। तो चलो आज चलते हैं ब्लॉगिंग करने, टूर पे निकलते हैं। ये हमारे घर के पास गणेश पंडाल है, यहाँ गणेश बैठाएंगे। चलो देख लो दोस्तों, इस गली से मैं गाड़ी बैक रिवर्स लेके आया हूँ और मेरा ये हालत ऊपर पसीने से नहा लिया। इन लोग मजा ले रहे हैं, अभी करते हैं एसी ऑन। हाँ चलो, बने रहो वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो काफी मजा आएगा और हम लोग बहुत अच्छी जगह प्राचीन मंदिर जा रहे हैं, भोरम देव नहीं क्या, देव बलोदा, देव बलोदा जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी बेटी नव्या भी जा रही है। हाय करो नव्या। हाय। अरे भाई डिगेन सर। हाय। ये हमारे मेहमान है और वो, अरे तू तो दिख का रे, रवि भाई, ये रवि हीरो दिख रहा है। चलो तो बने रहो वीडियो में, आगे तक चलते हैं। देखो हम लोग जा रहे हैं और रास्ते हमें गणपति पापा जी दिख गए हैं और अपने पंडाल में जा रहे हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों हम लोग गाड़ी बंद हो गया यार। दोस्तों हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और ये यहाँ चौक है, इससे राइट लेंगे और देव बलोदा के लिए निकलेंगे। तो अंडरब्रिज पहुंच गए हम लोग, अंडरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, काफी लंबा अंडरब्रिज। हाँ दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर है हमारा, ये देव बलोदा प्राचीन मंदिर है भोले बाबा का। मंदिर के अंदर अभी चलेंगे और आते आते हमारे गाड़ी में स्क्रैच लग गया है, देखो काफ़ी बड़ा स्क्रैच है। ऐसे फ़ोन में नहीं दिख रहा लेकिन काफ़ी बड़ा स्क्रैच है। तो चलो आप लोग वीडियो बने रहिए और चलते हैं हम लोग, लेते हैं ले लेते हैं एक प्रसाद भाई से, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर आ गए और ये रहा हमारा प्राचीन मंदिर भोले बाबा का, देव बलोदा। काफ़ी सुंदर मंदिर है और ये कुंड है, कुंड की ओर भी चलते हैं। ऐसे मंदिर छोटा है लेकिन काफ़ी प्राचीन है और आप लोग को इस मंदिर में एक कला दिख रही होगी। ये काफ़ी पुराना ही मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और ये कुंड है। चलो पहले मंदिर के अंदर चलते हैं, भोले बाबा को प्रसाद अर्पित कर लेते हैं। और ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, ये आपको कोई भी बताओ, हमारे डिगेन सर बताएंगे मंदिर के बारे में, पता कर लेते पहले। चलना सुनना, आप पढ़ो अच्छे समझाइएगा। ठीक है दोस्तों अपन मंदिर के अंदर चलते हैं। ये नंदी जी है, नंदी जी कुंड है, ये मंदिर है।
अच्छा ऊंचाई पे बना हुआ है पुराना मंदिर। चलो अंदर चलते हैं। जय भोलेनाथ। बोल बोलो ना भैया, बोल कौन बोलो, बोल बा बोल बा। ये रहे हमारे जो बनौदा के भोलेनाथ, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। ये हमारे गर्भगृह का है और हम सब सभी दर्शन कर लिए, पूजा अर्चना कर ली है। चलते हैं दर्शन करने के बाद कभी लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को इस मंदिर की कला दिखा रहा हूँ। इस स्तंभ में देखिए कितना प्यारा सा नक्काशी किया हुआ है और ऐसा देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये हाथ से बनाया हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि भिलाई में एक ही लौता मंदिर है जो इतना प्राचीन है। अब जस्ट बाजू में छोटा सा एक कुंड है, ये भी प्राचीन कुंड है। ये भी कुंड प्राचीन कुंड है और काफी हम लोग नीचे पे मतलब ऊंचाई पे खड़े और काफी नीचे पे कुंड है, प्राचीन कुंड है और काफी गहरा है, इसलिए इसको चारों तरफ से घेर दिए हैं। अरे समझ ही नहीं आता कैसे पकड़े मोबाइल को। तो और एक चीज आपको और दिखा रहा हूँ, देखो कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये मंदिर के जस्ट बाजू में। तो चलो दोस्तों आप लोग और कुछ दिखाते हैं। चलो तो पुरानी सभ्यता इसको यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत ही ज्यादा प्राचीन होने के कारण कुछ चीजें यहाँ से निकल गए, जैसे कि ये निकल चुका है, तो पुराना है लेकिन फिर भी उस समय पे कैसे बना वो धर्म जो उस समय पे कैसे इसको बनाया गया होगा तो आप सोच भी नहीं सकते। पूरे मंदिर को इसी तरीके से बनाया गया। तो दोस्तों इस मंदिर के बारे में हमारे डिगेन जो सर है वो साथ में आए, वो बताएंगे आपको, तो मैं इनसे पूछता हूँ। सर बताइए इस मंदिर के बारे में। मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन इतिहास है इस मंदिर का। ये 14वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं द्वारा बनाया गया था। हाँ। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हाँ। देव बलौदा नामक ग्राम में स्थित है ये। भिलाई 3 से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और हाईवे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भिलाई 3 में सिरसा गेट से अगर देखा जाए तो सिरसा गेट से अंदर आके आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर में इस मंदिर में पहुंच सकते हैं और रास्ता बहुत ही सुगम है और बहुत ही अच्छा रास्ता है। और बस ये टाइमिंग का ये है कि सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है और अभी चूंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया तो हम लोग को भी बाहर जाना पड़ा। तो हमारे डिगेन सर आप लोग को बता दिए हैं, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, मंदिर को देख लिया आप लोग, हम लोग दर्शन भी कर लिए हैं, अब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से और एक बार आप लोग को पूरा व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी सुंदर और प्यारा मंदिर है ये और ये मेरा सेकंड बार आना हुआ है। एक बार बहुत सालों पहले आया था मैं, तब वो सावन का महीना था। तो चलते हैं हम लोग। चलो चलो रवि, ये देखो नव्या तालाब देख रही, चलो हैं क्या देखोगे, तालाब देखोगे, चलो चलो। हाँ तो हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं क्योंकि मंदिर का बंद होने का टाइम हो चुका है और चलते हैं यहाँ से। बड़े काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं, छोटा है लेकिन प्राचीन है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे भिलाई के लिए ये प्राचीन मंदिर है ये, क्योंकि एक लौता मंदिर है प्राचीन भिलाई में। तो
चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।